Now we will start our chemistry portion, that chapter number 2, acid, base and solid. Last time हमने ये discuss किया था कि total basic क्या होता है in chemistry, कौन-कौन से charges positive होते हैं, कौन-कौन से charges negative होते हैं, compound कैसे form होता है, उनका state यानी कि उनका charge कौन सा होगा, कैसे आएगा, ये सब भी terms हमने देखी थी. अब हम start करते हैं हमारा next chapter है acid, base and solid. First of all अब तक हम acid को वॉशरूम क्लीनर बाथरूम क्लीनर के जगह पे ही यूज करते थे, बट एक्चुअल एसिड से वो कहां पे यूज होते हैं, उसकी रिएक्टिविटी कौन सी है, उसका यूजफुलनेस कौन सा है, ये सब भी थिंग इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ऑल्सो बेसिस एंड सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में सिंपल सा हम कॉमन सॉल्ट और NaCl सोडियम क्लोराइड के बारे में ही हमको पता था, बट इन केमिस्ट्री बहुत सारे सॉल्ट हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ द रिएक्टिविटी और डिफरेंट काइंड ऑफ द रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए यूजफुल होते हैं. तो इस तरह के जो कोई भी एसिड्स है, बेसिस है और सॉल्ट्स है, ये सब भी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी डिफाइन देने के लिए बहुत सारी ट्राई की. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट था डेड रॉबर्ट बॉयल. ये रॉबर्ट बॉयल ने एसिड बेस एंड सॉल्ट की समहाउ डेफिनेशन शो की थी. ये डेफिनेशन रॉबर्ट बॉयल ने जो शो की थी, ये डेफिनेशन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज. रॉबर्ट बॉयल ने क्लासिफिकेशन किया था एसिड्स का और बेसिस का. तो ये एसिड्स एंड बेसिस का क्लासिफिकेशन है, ये फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने शो किया था. अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड वन इज केमिकल. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तो एनीथिंग विच वी कैन सी बाय अवर नेकेड आईज, यानी कि हम अपनी नेकेड आई से जो कुछ भी थिंग हम देखते हैं उसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. तो उस तरह की जो कोई भी रिएक्शन है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रखते हैं. आफ्टर दैट केमिकल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद कोई कंक्लूजन पे आते हैं, तो ये कोई प्रॉपर्टी होती है, ये कौन सी होती है, ये फिजिकल सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है. अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज रॉबर्ट बॉयल है, उन्होंने एसिड एंड बेस को डिफरेंशिएट किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल इन एसिड रॉबर्ट बॉयल ने ये फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि उनका टेस्ट, इट मींस टेस्ट ऑफ एसिड इज सॉल्ट. सॉल्ट का मीनिंग होता है खट्टा. तो एसिड है जो कोई भी, ये जो कोई भी एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो ये सभी का टेस्ट कैसा होता है, तो उनका टेस्ट सॉल्ट होता है. अब उसके कंपेयर में हम बेस लेते हैं, तो बेस का टेस्ट एसिड के कंपेयर में कैसा होता है, बीटर होता है. इट मींस के जब भी जो कोई भी खट्टी चीज है, सॉल्ट चीज है, सभी के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, तो सभी के अंदर एसिड प्रेजेंट होगा. सपोज लेमन है, तो ये लेमन है, उसका टेस्ट सॉल्ट है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. ऑल्सो हमारे पास कोई भी ऑरेंज है, कॉर्ड है, तो ये सभी के अंदर हमें सॉल्ट टेस्ट लगता है, तो ये सभी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, तो एसिड प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट ये था कि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड, यानी कि आपके पास लिटमस पेपर है. ये लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, फर्स्ट वन इज ब्लू कलर एंड सेकेंड वन इज रेड कलर. अगर आपके पास ब्लू कलर का कोई लिटमस पेपर प्रेजेंट है, उसको आप एसिड के वेसल में डीप करते हो, तो ये डीप होने के बाद क्या करेगा, तो ये ब्लू कलर था, ये इजीली कौन सा कलर शो करेगा, तो ये रेड कलर शो करेगा. ऑल्सो जब भी ये रेड कलर शो करता है कन्वर्टेड फ्रॉम द ब्लू, तो ब्लू में से जब भी रेड हो जाए, तो हम इजीली ये भी बोल सकते हैं कि वहां पर कौन सा लिक्विड प्रेजेंट होगा, तो वहां पे एसिड का लिक्विड प्रेजेंट होगा. उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है बेस है, ये बेस में रेड कलर जो होता है, ये रेड लिटमस पेपर कन्वर्टेड इंटू ब्लू. तो इससे टोटल ऑपोजिट थिंग है, जो ब्लू लिटमस पेपर है ये रेड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, एसिड. और अगर रेड लिटमस पेपर है ये ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, तो ये ब्लू कलर. अब ये पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसके बजाय हम इसको याद रखेंगे बाय एडी,
एसिड है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हम अमिताभ बच्चन को भी याद कर सकते हैं एबी, तो एबी मींस एसिड है ये इजीली ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा रेड में कन्वर्ट करेगा। अब अनदर थिंग है थर्ड पॉइंट जो है ये फॉर एसिड्स है, बेस के लिए उसका पॉइंट अभी नहीं लेना है। तो यहां पे थर्ड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, तो एसिड है ये जब भी किसके साथ, तो कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड है ये जब भी कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये इजीली हमें इन प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस है ये हाइड्रोजन गैस को दिखाएगा। अब ये कैसे फॉर्म हुआ, तो उसके लिए वहां पे हम रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एसिड है H2SO4, फॉर दैट मेटल को हम यूज करते हैं सेलेन को, सेलेन यानी कि जिंक को। अब यहाँ पे आप सिंपली आयनाइजेशन फॉर्म करके इसके प्रोडक्ट को ले सकते हो। H2SO4 है उसका आयनाइजेशन क्या होता है, तो 2H+N SO4-2, सेलेन+2, सेलेन का आयनाइजेशन क्या होता है सेलेन+2। अब यहाँ पे आपको पता है कि नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट वन इज रिएक्ट विद पॉजिटिव ऑफ द सेकेंड वन, तो ये जिंक है ये इजीली SO4 के साथ कंबाइन होने के बाद क्या करेगा, तो ये सेलेन SO4 फॉर्म करेगा। ऑल्सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, तो 2H+ मींस दे क्या फॉर्म करते हैं H2 इन गैसियस मॉलिक्यूल। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एसिड से ये मेटल के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं H2 गैस, तो ये एसिड था, एसिड का नाम क्या है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये जिंक के साथ मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद क्या फॉर्म करता है ZnSO4 एंड उसका अनदर एंड प्रोडक्ट क्या होती है बाय प्रोडक्ट, तो H2 गैस। तो ये सभी थिंग हमें किस साइंटिस्ट ने बताई थी, तो रॉबर्ट बॉयल ने ये सभी थिंग हमको शो की थी। ये सभी थिंग किसके बजाय केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हमें शो की थी। अब यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस थी इन रॉबर्ट बॉयल। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड है उसका फेस सॉर है, हमको पता है कि ये सॉर इंटरेस्ट है, बट आप H2SO4 है HCl है उस तरह के एसिड का टेस्ट नहीं कर सकते हो, और उसकी रिएक्टिविटी को चेक करना है तो फ्रॉम द टेस्ट हम ये रिएक्टिविटी भी शो नहीं कर सकते। तो ये सभी तरह की लिमिटेशंस थी, उसके बजाय रॉबर्ट बॉयल के कंपनी में अनदर साइंटिस्ट है RMS कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। तो RMS ने उसके थोड़ी सी वेरिएशन करके एसिड एंड बेस का क्लासिफिकेशन शो किया। तो फ्रॉम द RMS हम एसिड किसको बोल सकते हैं एंड बेस किसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है दैट लिक्विफिकेशन, ऑन लिक्विफिकेशन एनी लिक्विड और एनी कंपाउंड विच रिलीज H+ ion, they all are known as acid। तो जब भी हम उसका लिक्विफिकेशन फॉर्म करते हैं यानी कि उसका aqueous solution हम फॉर्म करते हैं, तो ये जब भी हम aqueous solution उसका फॉर्म करते हैं तो उसमें से कौन से चार्जेस रिमूव होना चाहिए, तो H+। जब भी ये H+ ion से ये रिमूव होगा तो ही हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है एसिड हो सकते हैं। सेम टू सेम फॉर द बेस दैट इन लिक्विफिकेशन विच रिलीज OH-, OH- का सिंबल मीनिंग होता है हाइड्रोक्साइड, तो ये जब भी हाइड्रोक्साइड है उसको रिमूव करेगा, इट मीन्स OH- ion को रिमूव करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की डिफाइन हो गई है, फर्स्ट वन इज एसिड एंड सेकेंड वन इज बेस। तो RMS एसिड हम किसको बोलेंगे, तो इन लिक्विफिकेशन एनी कंपाउंड विच रिलीज H+ ion दे आर नोन एज एसिड। ऑल्सो एनी कंपाउंड इन लिक्विफिकेशन विच आर रिलीज OH- ion इज नोन एज बेस। सिंपल हम यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास HCl है, और HCl की हम इन लिक्विफिकेशन और इन वाटर हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो ये इजिली यहाँ शो करेगा, तो इसका सिंपल आयोनाइजेशन फॉर्म होगा H+ and Cl-, तो यहाँ पे H+ रिलीज हुआ है, तो हम इजिली कह सकते हैं कि यह कौन सा रिएक्शन शो करता है, तो फॉर एसिड रिएक्शन शो करता है। सपोज हमारे पास HCl के कंपेयर में NaOH है, तो NaOH है उसका लिक्विफिकेशन फॉर्म करते हैं, तो ये इजीली इसका आयनाइजेशन फॉर्म करने के बाद क्या करेगा, तो ये Na+ and OH- शो करेगा, तो यहाँ पे OH- रिलीज होता है, तो इस वजह से हम उसको क्या बोल सकते हैं बेस बोल सकते हैं।
अब ये तो सिंपल टर्म दी कि हम H प्लस और OH माइनस के थ्रू एसिड एंड बेस को शो कर सकते हैं, बट ये थ्योरी को एक्सप्लेन करते करते अरहेनियस की अरहेनियस है उसकी भी somehow limitations फॉर्म हुई, और उसकी जो तीन लिमिटेशंस थे ये तीन लिमिटेशंस के बाद भी एसिड और बेसिस का एक्चुअल मीनिंग हमको पता चला। तो उसकी तीन लिमिटेशन कौन सी थी? फर्स्ट वन, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि जब भी एक्वियस सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर हम वाटर डालेंगे और सॉल्यूशन फॉर्म करेगा उसके लिए ही हम ये थियरी को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज इन प्योर स्टेट कोई भी थियरी होती है तो उसके अंदर हम इसको फॉर्म नहीं करते, उसका यूज नहीं कर सकते। अनदर थिंग है, हमारे पास एक गैस है दैट वन इज NH3। NH3 का नेम क्या होता है? तो NH3 का नेम होता है एमोनिया। ये एमोनिया है, एमोनिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे OH माइनस भी प्रेजेंट नहीं है और H प्लस भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे OH माइनस और H प्लस है ये प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये एमोनिया है। इन केमिकल रिएक्शन कौन सा नेचर शो करता है? ये बेसिक नेचर शो करता है। NH3 है एमोनिया, वो बेसिक नेचर शो करता है, उसके अंदर OH माइनस प्रेजेंट नहीं है फिर भी। तो ये आरएनएस नहीं समझा पाया कि ये कैसे होगा कि NH3 के अंदर बेसिक नेचर कैसे फॉर्म होता है जिसके अंदर OH माइनस तो पहले से ही प्रेजेंट नहीं है फिर भी ये बेसिक है। ऑल्सो थर्ड थिंग, हमने एसिड्स के लिए बोला था कि यहाँ पे H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन क्या करते हैं? तो जब भी हम लिक्विफिकेशन फॉर्म करते हैं, ये लिक्विफिकेशन फॉर्म करते करते एच प्लस जब भी रिलीज करेंगे तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो उस तरह की रिएक्शन को हम एसिड्स कहते हैं, आरएनएस एसिड। तो यहाँ पे एच प्लस है, आपको पता है कि एच प्लस है, ये एच प्लस में हाइड्रोजन है, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, प्लस चार्ज है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर प्रेजेंट था ये भी क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। इट मीन्स कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? जीरो। जीरो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के साथ साथ ये क्या हो जाता है? तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अब H प्लस है, जीरो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनस्टेबल फॉर्म हुआ है, तो ये अनस्टेबल है तो हम उसको एसिड के लिए मेन स्पीसीज नहीं बोल सकते, स्पीसीज यानी कि उसका मेन पोर्शन। तो हमारे पास H प्लस था जिसके अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, उसकी वजह से हम आरएनएस के थ्रू उसको एसिड का मेन स्पीसीज और मेन कैरेक्टर शो कर सकते नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि H प्लस एसिड का मेन कैरेक्टर नहीं है तो एसिड का मेन कैरेक्टर कौन होगा? तो एसिड का मेन कैरेक्टर है ये HCl है, सपोज उसको हम वाटर के थ्रू डिसॉल्व करते हैं। HCl को वाटर के थ्रू जब भी हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या करेगा? तो इसीलिए यहाँ पे इसका आयनाइजेशन फॉर्म होने के बाद एच प्लस HCl माइनस बनाएगा, एंड देन एच प्लस इज मूव टू H2O एंड इजिली फॉर्म्स H3O प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो यहाँ पे जो H3O प्लस था उसका नेम क्या होता है? तो उसका नेम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन है, अब ये आयन क्या करेंगे? तो एसिड के लिए मेन स्पीसीज को शो करते हैं। तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन था अबाउट द एसिड एंड बेसिस फॉर द प्रॉपर ऑयल एंड फ्रॉम द आरएनएस कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर हम टेक्स्ट बुक में जो थियोरी का स्टार्टिंग हुआ है ये देखेंगे। आज ये हमने दोनों थियोरी देखेगी, ये बेसिक है फॉर द सेकेंड चैप्टर।